तो स्वागत है आपका एक अनदर वीडियो में। आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है। जी हाँ, आपने सही सुना, आज का वीडियो कुछ ज़्यादा ही खास होने वाला है। तो आज हम लोग टेम करने वाले हैं गी का। जी हाँ, ये मिला था मुझे बहुत ही रेयरली, यानी कि बहुत खोजने वगैरह वगैरह करने के बाद। तो मैं सोच रहा था कि मेरे यहाँ बाजू में एक ट्रैप है, क्या ये ट्रैप में फंस सकता है? तो मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि बिना प्रॉपर ट्रैप के आप लोग इसे टेम करने की गलती भी ना करें, बिल्कुल भी ना। तो यहाँ पे मैं तो कैसो कैसो करके, यानी कैसे भी करके इसको किसी तरह नॉकआउट तो कर देता हूँ, बट पहली बार जब नॉकआउट करता हूँ तो मैं प्रिपेयर नहीं देता हूँ, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेबली आ गया था मेरे सामने अचानक से। तो मैं कोई और टेम करने जा रहा था क्रिएचर, और ये अचानक से आ गया, तो मैंने कहा ये अपॉर्चुनिटी खोनी नहीं चाहिए हमें। तो यहाँ पे मैं सोच रहा था, जो मैंने ट्रैप बना रखा था, कि क्या ये ट्रैप में फिट हो सकता है। तो काफ़ी सोचने के बाद मैं वही अनुमान लगा रहा था कि क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है कि नहीं। फिर मैंने सोचा अगर हम ये नहीं फंसा तो फिर तो पक्का ये मुझे मार ही डालेगा। तो यहाँ पे मैं वही सोच रहा था कि फिर बाद में ये होगा कि चलो थोड़ा सा रिस्क लिया ही जाएगा, देखा जाएगा अगर होता है या नहीं होता। तो यहाँ पे मैं एरो मारना शुरू कर देता हूँ। कुछ एरो तो लगता ही है, ऐसे हिंट होता है, बट ये कुछ विल्ड क्रीचर को मार रहा था, आई मीन डाइनो को। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई नोटिस नहीं किया मुझे यहाँ पे। तो अभी कुछ देर तक तो ऐसे ही चलता रहता है ठीक ठाक, बट जब ये नोटिस करता है तो मेरा जो आर्मर रहता है एक बार में तोड़ देता है। मैं तो भगता हूँ भाई, सोचता हूँ ख़त्म कहानी मेरी, टाटा बाय बाय, बट किसी तरह बच जाता हूँ। चले फिलहाल के लिए तो मैं जल्दी जल्दी से इसे शूट करता हूँ ताकि ये मेरे पीछे आए। अभी यहाँ पे ये फाइट ले रहा ग्रिफिन से, तो वहाँ से जब वो फ्री होगा एक दो हिट लेने के बाद फिर आएगा ये मेरे पीछे। यहाँ पे देखिए अनदर हिट मारा मैंने इसे, करीब करीब इसका 80 के, या फिर 80 के आई थिंक, ऐसा कुछ करके इसका हेल्थ है। यहाँ पे देखिए, और इसने ग्रिफिन को भी मार दिया। अब ये मेरे पीछे आएगा और इसका अनकॉन्शियस लेवल थोड़ा सा बढ़ के है, बट जितना भी यहाँ पे हाफ हो चुका है, 20 के आसपास इसका अनकॉन्शियस लेवल, और ये मेरे पीछे पड़ गया। अब मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। पता नहीं क्यों भाई, जब ये मेरे पीछे पड़ा तो मुझे भागने को भी नहीं आ रहा था भाई, मैं तो बिल्कुल डर ही गया था भाई, अब क्या होगा। फिर अचानक से ये अंदर आता है, और यहाँ पे मैं सोचता हूँ ये इतने में फंस जाएगा, मैं इधर से निकलने की कोशिश करता हूँ, बट कुछ देर के लिए ये ट्रैप हो जाता है। यहाँ पे देखिए ये अंदर है इस समय, बट ये दिखा रहा ग्लिच से बाहर, अंदर दोनों तरफ दिखा रहा। तो मैं सोच रहा था भाई ये तो ट्रैप काम ही नहीं आएगा इसके लिए, ये अचानक से ग्लिच मार के निकल जाएगा, मुझे जहाँ तक लगा था, और ऐसा होता भी है। बट कोई बात नहीं, फिलहाल तो ये थोड़ी देर के लिए फंसा हुआ है, तो इसको जल्दी से नॉकआउट करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए मैं इसे मारने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे नाइट मोड है, आई मीन नाइट है यहाँ पे, और यहाँ पे ऑलमोस्ट होने ही वाला, नॉक होने ही वाला होगा। मैं नहीं चाहता था कि, मैं नहीं चाहता कि जब तक फंसा हुआ है तब तक देखने में मैं टाइम बर्बाद करूँ कि कितना लेवल चढ़ा इस पर, तो इसलिए मैं इसे जल्दी से जल्दी नॉक करूँगा। यहाँ पे देखिए निकल गया, अब ये भागने की कोशिश कर रहा है क्योंकि ये नॉक होने वाला है, 2-3 एरो और लगेंगे और ये नॉक हो जाएगा पूरी तरीके से। और यहाँ पे ऑलमोस्ट नॉक ही होने वाला है, और अदरवाइज ये बहुत तेज डैमेज देता है हमें वापस घूम के, और ये हमारा नॉक हो गया। तो मैं सोचता हूँ कि नॉक तो हो गया, अब इसे टेम कैसे करें। कुछ देर सोचने के बाद मैं सोचता हूँ चलो इसको मीट देते हैं पहले, आई मीन ये मेरा सबसे पहला गीगा है जो मैं पूरे आर्क में आज तक जितना भी बार भी खेला हूँ, ये मेरा पहला गीगा है, मैं इसे टेम कर रहा हूँ। यहाँ भी देखिए, और मैं अब देखता हूँ कि मेरे इन्वेंटरी में भाई मीट वगैरह कुछ भी नहीं है, यही सबसे बड़ी गलती कर देता हूँ। मैं मीट के लिए चला जाता हूँ बाहर, थोड़ा सा वेट करते करते, आई मीन यहाँ पे ग्रिफिन वगैरह देखता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैंने ध्यान नहीं दिया कि इनका, इसका अनकॉन्शियस लेवल बहुत तेज ड्रॉप होता है कंपेयर टू दी अदर क्रीचर। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता हूँ और मीट के लिए थोड़ा सा इधर उधर चला जाता हूँ, और जब वापस आता हूँ तो देखता हूँ कि भाई ये तो पूरा खड़ा हो गया उठ के। तो यहाँ पे मैंने मीट वगैरह कलेक्ट कर ली, यहाँ पे करीब करीब काफ़ी हो चुका है मेरे पास मीट। तो मैं सोच रहा था मीट तो मैंने ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया था जितना चाहिए था मुझे, बट मैं सोच रहा था अगर मुझे प्राइम मीट मिल जाए तो अच्छी बात हो जाए, देखें कितना परसेंट जाता है। बट यहाँ पर मैं जब वापस आके देखता हूँ तो भाई अनबिलीवेबल, यकीन नहीं होता मुझे कि ये इसका अनकॉन्शियस लेवल इतना तेज ड्रॉप होता है, और ये बिल्कुल जैसा था वैसा हो गया, और इसने मुझे दौड़ाना शुरू कर दिया, और इसने मुझे डैमेज दिया, मेरा हेड का आर्मर पूरा ख़त्म हो गया भाई। मैं तो डर गया इतना ज़्यादा कि मैं यहाँ से भाग लिया। भागने के बाद सीधे अपने आरजे पे गया और फिर भागने का प्लान बना लिया, कहा भाई बाद में देखेंगे इसको ट्रैप करके।
मैं खोज ही रहा था मेरा आरजे कहाँ है, यहाँ पे नीचे मैंने इसे बहुत दूर रखा था ताकि ऐसी कोई सिचुएशन हो तो फिर भगने का प्लान पूरा पक्का रहे। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा आसमान में चला जाता हूँ, ये देखिए कैसे दौड़ा रहा मुझे। अब मुझे फिर से इसे नॉकआउट करना था, तो मैं प्लान बना रहा था कि नॉकआउट नॉकआउट कैसे करें, और ये अचानक से यहाँ से नीचे चला जाता है, नीचे उतर जाता है, तो मुझे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है क्योंकि यहाँ पे ऊपर अब ये चढ़ नहीं पाएगा। और ये मेरा पूरा हेड उड़ा दिया था, यहाँ पे मैंने दूसरा लगाया हेडगेयर, और यहाँ पे देखिए मुझे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया फिर से दोबारा इसे नॉक करने की। भले इस खुले में है बट थोड़ा सा जब ये भागने लगेगा तो हमें इसे पीछे जाके इसको मारना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने पैराशूट वगैरह क्राफ्ट कर लिया ताकि हमें जंप लेना पड़े तो फिर कोई डैमेज ना हो हमें, फॉल डैमेज वगैरह। अब ये देखिए अब यहाँ से भागने लगा, तो हम लोगों को अब जितना जल्दी जल्दी हो सके इसे एरो से मार के डैमेज देना होगा, डैमेज नहीं नॉकआउट करना होगा। तो जब तक ये इधर उधर बजा हुआ है तब तक हम लोग इसे डैमेज देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे जल्दी जल्दी से डैमेज देना शुरू कर दिया था। कुछ एरोज हिट हो रहे थे, कुछ वैसे ही चले जा रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी स्लोली स्लोली काम हो रहा था। बट कोई नहीं, हो तो रहा था, इतनी तसल्ली थी मुझे। यहाँ पे ऑलमोस्ट हाफ हो गया था, बट यहाँ से जाने जैसे ही थोड़ा सा आगे गया ये दिखाई देना बंद हो गया। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एरोज मिस हो रही थी क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो गया था, अनुमान नहीं लग पा रहा था कितना ज़्यादा जमा रहे। तो यहाँ पे मुझे और आगे जाना पड़ा क्योंकि वो चला गया था थोड़ा सा आगे, तो जिसकी वजह से स्पॉन नहीं हो रहा था वो मुझे। तो यहाँ से फिर कुछ एरो मैंने हिंट दिया इसे, यहाँ से भी कुछ एरो मारनी पड़ी। तो फिर जब ये ऑलमोस्ट होने ही वाला था नॉक तो ये भगने लगा, फिर से मुझे आगे जाना पड़ा थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए ये ऑलमोस्ट हो ही गया है इसलिए भगना स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए उल्टा भग रहा है, इसको पता नहीं आई थिंक कहाँ से एरो पड़ रही है इसको, बट कोई बात नहीं, ये डाउन होने ही वाला है, कुछ एरोज और लगेंगे और ये नॉकआउट हो जाएगा। देखिए कितना तेज़ी से ये भगा, बट कोई बात नहीं, इसलिए मैंने अपने आरजे को अपने पास रख रखा था ताकि कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो। और यहाँ पे कुछ ही एरोज रह गए थे मुझे मारना इसको, मुझे लगा ये भगेगा इसलिए मैंने अपने आरजे को फिर से दोबारा कॉल किया कि आजा भाई आजा, फिर से भगेगा। बट यहाँ पे देखिए ये मुझे थोड़ा सा डैमेज देता है, मेरे पास आर्मर वगैरह काफ़ी अच्छा था, और ये फाइनली हमारा नॉकआउट हो जाता है। जबकि मैंने पिछली बार से सबक ले लिया था, भाई इसका अनकॉन्शियस लेवल बहुत तेज ड्रॉप होगा, और सारी तैयारी मैंने ऑलरेडी कर ली। तो मैंने यहाँ से जल्दी यहाँ पे मैंने एक मोर्टल इंप्रेस्ड कर क्राफ्ट किया, और जल्दी से मैंने इसे नॉर को स्टार्ट कर दिया बनाना। तो यहाँ पे तो मैं हैक मोड खेल रहा हूँ जिसमें क्राफ्टिंग वगैरह सब कुछ फ्री है, तो वो यहाँ पे मुझे कुछ खास मटेरियल इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से जितना हो सके 5, 6, 7, 8 क्राफ्ट कर दिया। और फिर फाइनली मैंने एक स्मूथ ब्लिम कि जल्दी जल्दी से हम लोग इसे टेम कर सकें। तो यहाँ पे मैंने एक 15 गुना स्मूथ ब्लेम ले लिया क्योंकि मुझे पता था अगर बिना स्मूथ ब्लेम के हम लोग यूज करेंगे तो कम से कम कुछ नहीं तो हमें 200 या फिर 100 तक नॉर्को लग जाएंगे इसको टेम करने के लिए, क्योंकि ये बहुत स्लो जाएगा। और यहाँ पे मैंने कुछ स्मूथ ब्लेम भी ले लिया, ये ऑलरेडी देखिए करीब करीब एक या दो बार गया, 45% हो गया, दो बार गया आई थिंक ऐसा कुछ, अगर एक बार भी गया होगा तो एक बार में 45 गया यानी 15 गुना गया है। तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं इससे कि 15 गुना कितना एक बार होगा 15 गुना का, यानी कि एक बार में 3% गया होगा आई थिंक ऐसा कुछ। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, अभी पता चल जाएगा कि ये एक बार में कितना परसेंट गया है। और इसका अनकॉन्शियस लेवल काफ़ी तेज़ी से ड्रॉप हो रहा, तो मैं इधर उधर डर ही रहा था कि कोई आ जाए ना, कोई और वाइल्ड क्रिएचर ना आ जाए, आसपास काफ़ी सारे रेक्स वगैरह थे। बट यहाँ पे छोटे मोटे क्या ही बताएं, ये सब ज़्यादा हैं भाई। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा और नॉर्क क्राफ्ट करता हूँ इन द केस ऑफ इमरजेंसी, ज़रूरत पड़ गई तो फिर कहाँ से खोजेंगे भाई। और यहाँ पे मैं इसे इसकी इन्वेंटरी में पुट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैंने कुछ पुट कर दिया। अब हमें वेट करना था कि ये जल्दी से जल्दी लेवल अप हो जाए, टीम हो जाए। और ये ऑलमोस्ट पूरा ही होने वाला है, देखिए इसका डैमेज कितना है, 110 डैमेज है, 100 इसका स्पीड है। बट यहाँ पे जब टीम कर लेता हूँ तो यहाँ पे
यहाँ पे इसकी जो डैमेज है वो घट जाती है। और यहाँ पे देखिए मैं समझ गया, ये 45% जा रहा है, यानी कि एक बार में 3% जा रहा। तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं, अगर एक बार में 3% जाने पर ये आधा से ज़्यादा अनकॉन्शियस ड्रॉप कर दे रहा, तो सोचिए कितना ज़्यादा हम लोगों को नॉर्को की ज़रूरत पड़ेगी इसको टेम करने के लिए। क्योंकि 3 बार जा रहा, तो हमें करीब करीब इसको करीब करीब करना पड़ेगा 15 दुनी 30 बार करना पड़ेगा। और 30 बार तक वेट करते करते कितना टाइम लग जाएगा और साथ साथ कितना नॉर्को लग जाएगा, मैं तो कंपेयर भी नहीं कर सकता। मुझे लगता है करीब करीब 200-300 लग सकते हैं, अभी इससे ज़्यादा ही हो जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा और नॉर्को मैंने क्राफ्ट किया और इसकी इन्वेंट्री में दे दिया मैंने, ताकि ये जल्दी छूट न जाए। और ये लास्ट टाइम था हमारा, कंप्लीट होने ही वाला था, बट मैंने जैसे ही थोड़ा सा रेस्ट किया, मैंने सोचा कि इतने में तो हो जाना चाहिए एक लेवल, तो और तेज़ी से इसने ड्रॉप करना शुरू कर दिया। तो मैं घबरा गया, भाई ऐसा ना हो कि ये फिर से उठ जाए, तो फिर मेरी पेटी बन जाएगी दरी। बट कोई बात नहीं, यहाँ पे ये टेम हो जाता है इस बार किसी तरह। और ये ऑलरेडी 91% हो चुका है, 91.5। अब हमें थोड़ी देर वेट करनी थी बस, इधर उधर देखते हुए कि कोई वाइल्ड क्रीचर ना आ जाए अचानक से, फिर से डैमेज देने लगेगा। तो यहाँ पे इसका तो लेवल ऑलरेडी कम है और इसने फिटनेस ड्रॉप कर दिया, तो और धीरे धीरे टेम होगा, तो इसलिए मुझे थोड़ा ध्यान रखना था आजू बाजू। और मैं बार बार इसके स्टैट भी देख रहा था कि क्या होगा जब इतना बड़ा डैमेज देगा भाई, क्योंकि हम सभी को पता है गीगा बहुत ज़्यादा डैमेज देता है, बहुत ही ज़्यादा। मेरे पास फ्लैंक आर्मर था, सबको एक बार में तोड़ दिया एक डैमेज में, इसका डैमेज इतना ज़्यादा होता है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और नार को फीड किया इसको, आई थिंक फिर से मुझे नॉर्को की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए मैंने फिर से नॉर्को क्राफ्ट किया। मैं जरा भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। मैंने देखा कि और तेज़ी से इसने जब ड्रॉप करना शुरू कर दिया, तो मैंने जल्दी जल्दी से, भाई मैंने सोचा एक ही सही बट दो, इसको जितना हो सके दो। यहाँ पर मैंने फिर से एक ही लिया, बट मैंने पूरा एकदम मान लिया था कि भाई होगा। और ये फाइनली हमारा ये टीम हो गया, लेवल 29 का है, जबकि लो लेवल का जब इतना है, तो फिर हाई लेवल का कितना ज़्यादा होगा डेंजरस। यहाँ पे लेवल 29 है, देखिए। अब बारी थी हमें इसकी सैडल की, और यहाँ पे मैंने इसको टारगेट दिया, भाई ज़रा हिंट करके दिखाइयो, मैं डैमेज देखना चाहता था ये डैमेज कितना देता है। बट यहाँ पे मेरा आरजे था वो काफ़ी फास्ट था। यहाँ पे देखिए एक बार में 2 बार में कितनी सारी डॉल्फिन, या सॉरी डॉल्फिन कह रहा, मछलियाँ मार दिया इसने। और यहाँ पे देखिए इसका डैमेज, देखिए कैसे मार रहा भाई, खतरनाक, पूरा डेंजरस। अब चलिए इसका सैडल देख लेते हम लोग। मेरा आरजे काफ़ी ऊपर चला गया है, इसको बुलाना पड़ेगा, क्योंकि इसका सैडल हमें स्मिथी से ही मिलेगा और इसका लेवल बहुत ज़्यादा है, हाई लेवल पे मिलेगा, 95 के आसपास आई थिंक ऐसा कुछ है। चलिए देख लेते हैं कितना लेवल पे मिलेगा इसका सैडल। 96 लेवल पे मिलेगा और इसको स्मिथी से ही क्राफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा आरजे है, इसके इन्वेंट्री में हम लोग क्राफ्ट कर लेते हैं इसका लेवल, अरे सॉरी इसका सैडल। और इसका सैडल क्राफ्ट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी हाइड फाइबर और मेटल इग्नोट की ज़रूरत पड़ेगी। ये जितना ज़्यादा डेंजरस है उससे ज़्यादा खतरनाक तो इसका सैडल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लो मटेरियल है। यहाँ पे देखिए ज़्यादा इग्नोट की ज़रूरत भी नहीं पड़ी हमें, करीब करीब 20 या फिर 30 ऐसे कुछ करके था, या फिर 100 भी हो सकता है इग्नोट, मैंने ध्यान नहीं दिया कितना इग्नोट था। और यहाँ पे फाइनली मैंने इसको सैडल दे दिया, काफ़ी हाई लग रहा है यहाँ से। तो इसको अब सैडल दे के थोड़ा फाइट लेते हैं, देखते हैं कितना डैमेज है इसका। और फिर उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा लेवल अप किया, जो करीब करीब 80 लेवल पर चला गया था ये। और फिर से इसका जब लेवल अप मैंने किया, तो आप लोग उम्मीद नहीं करेंगे, ये करीब करीब 2, 3, 4 या फिर 5 लेवल में एक बार बढ़ रहा था, यानी 1% इसका डैमेज बढ़ रहा था। और साथ साथ 1, 2, 3 या फिर 4 बार लेवल अप करने पे जाके इसका एक बार स्पीड बढ़ रही थी, साथ ही साथ स्टेमिना ऐसे ही करके बढ़ रहा था, हेल्थ भी ऐसे ही करके बढ़ रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा रेयरली ही बढ़ रहा था इसका। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही साथ ये संडे का स्पेशल वीडियो था, संडे के लिए कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस जो कह सकते हैं रेगुलर से ज़्यादा, और कुछ नया। तो यहाँ पे और भी जो टेम्स हैं वो तो मैं टेम करूँगा ही साथ ही साथ, तो मैंने सोचा कि उन्हें आज कुछ एक्स्ट्रा दिया जाए और साथ ही साथ कुछ बड़ा, तो यहाँ पे बड़े के तौर पे ये समझ लीजिए आप लोग। और साथ ही साथ अब मैं शुरू करने वाला हूँ रेसिपीज़ वाली वीडियोज़, और उसके साथ साथ
फॉर्म वगैरह भी क्राफ्ट करूँगा अपना यहाँ पे धीरे धीरे। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जितना हो सके मैं सब कुछ दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके शेयर करिए, क्योंकि आप जितनी सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा मेरा मनोबल बढ़ेगा और साथ ही साथ मैं वीडियो बनाऊँगा और मन से। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।